हे गाइस, दिस इज उमर एंड वेलकम टू उमर्स टेक्निकल क्लास। सो गाइस, मैंने आज तक कई सारे ऐप्स के आपको ट्यूटोरियल बताए हैं, कई सारे फोटो एडिटिंग ऐप्स के आपको ट्यूटोरियल बताए हैं। लाइक मैंने आपको एडोब लाइट रूम का ट्यूटोरियल बताया है, पिक्स आर्ट का ट्यूटोरियल बताया है, पिक्सल लैब का ट्यूटोरियल बताया है। तो जिनसे लाइक पिक्स आर्ट एंड पिक्सल लैब से आप अच्छे थंबनेल्स भी बना सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। तो कई तरह के ट्यूटोरियल्स एंड चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस चैनल पर, वीडियोस अपलोड कर करके मैंने अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर की है। बट इस वीडियो में मैं आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ, बिकॉज हमने काफ़ी सारे ऐप्स के ट्यूटोरियल कर लिए हैं बट स्नैपसीड का ट्यूटोरियल अभी तक नहीं किया है, जो कि हो सकता है आप भी देखना चाहते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको स्नैपसीड का पूरा फुल ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको उसके सारे फीचर्स पता चल जाए एंड कैसे आप उससे एडिटिंग करते हैं, किस तरीके से आप अपने एडिटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं स्नैपसीड में, और क्या क्या ऐसे फीचर्स रहते हैं जो शायद आपको नहीं पता या फिर आपने यूज़ नहीं किया, और किस तरीके से उनको यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड गाइस, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से इस रेड कलर के बटन पर दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, ये रहा स्नैपसीड ऐप। तो ये आपको प्ले स्टोर पर काफ़ी आसानी से मिल जाने वाला है। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, आपको पता है क्या करना है। प्ले स्टोर पर जाकर आपको बस इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपके सामने एक प्लस का आइकन आएगा। प्लस के आइकन पर क्लिक करके आपको अपनी कोई भी फ़ोटो इम्पोर्ट कर लेना है, जो भी फ़ोटो आपने क्लिक करी है। लाइक मैं अपनी कोई भी फ़ोटो यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पर लाइक मैंने इस फ़ोटो को इंपोर्ट कर लिया, तो काफ़ी आसानी से इंपोर्ट हो गई। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे स्टाइल्स मिल जाते हैं, आप नीचे देख सकते हैं स्टाइल्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप पोर्ट्रेट में भी ऐसे कर सकते हैं। देन यहाँ पर करंट का भी ऑप्शन आ जाता है, अगर आपको पसंद नहीं है ये पोर्ट्रेट तो आप करंट में भी ऐसे कर सकते हैं, मतलब जो पहले थी आपकी फ़ोटो। तो यहाँ पर हम स्मूथ भी कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप वो यहाँ से कर सकते हैं। हम पॉप कर सकते हैं, एक्सेंचुएट कर सकते हैं। देन यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, फेडेड ग्लो, मॉर्निंग ब्राइट, फाइन आर्ट, पुश, स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन इज़ सिलहूएट। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो मैं यहाँ पर पोर्ट्रेट कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर टिक कर लिया। देन यहाँ पर आपको मिडिल में एक टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाएंगे, मतलब बहुत सारे फीचर्स आपको इस टूल्स के ऑप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला फीचर मैं आपको बता देता हूँ, ये है ट्यून इमेज का। तो ट्यून इमेज में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से आप अपनी ब्राइटनेस बढ़ा, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, एम्बियंस, हाईलाइट, शेडोज, वार्म्थ वगैरह यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। तो लाइक मैंने यहाँ पर ब्राइटनेस पर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने ब्राइटनेस पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर से आप इसे ग्रो कर सकते हैं, अपनी ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे ऑटो एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से लाइक हमने यहाँ पर ब्राइटनेस पर क्लिक किया, तो यहाँ पर हमें लेफ़्ट साइड स्लाइड करना है तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, राइट साइड स्लाइड करेंगे तो ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी। तो देन यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट, तो कॉन्ट्रास्ट पर हम इस तरीके से जब हम ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा कलरफुल, कुछ ज़्यादा ही बेकार लगेगी, भद्दी लगेगी हमारी फ़ोटो। देन कम कर देंगे तो और भी बेकार लगेगी। तो यहाँ पर हमें इसे मिडिल रखना है, थोड़ा बहुत ऐसे कर देना है, इस तरीके से हम कर लेंगे। देन सैचुरेशन, एम्बियंस, हाईलाइट, शेडोज़, तो जो भी चीज़ें आपको करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं। लाइक अगर शेडोज़ का यूज़ ये है, वाइट एंड ब्लैक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे कट कर देता हूँ, पहले काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इज़ डिटेल्स, यहाँ से आप अपनी फ़ोटो की डिटेल्स कर सकते हैं। तो इस पर आपको क्लिक करना है, देन आप अपनी फ़ोटो का स्ट्रक्चर इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप डिक्रीज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी फ़ोटो थोड़ी सी धुंधली सी हो जाएगी, आप देख सकते हैं, थोड़ी सी बेकार लगेगी। एंड जितना ज़्यादा आप इंक्रीज़ करेंगे, ऐसा नहीं है कि जितना ज़्यादा आप इंक्रीज़ कर देंगे उतनी अच्छी आपकी फ़ोटो अच्छी लगेगी, बट थोड़ी सी ओवर एडिट भी लग सकती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत ऐसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। देन शार्पनिंग, शार्पनिंग को भी आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, जितना भी आपको रखना है, ज़ीरो रखना है तो ज़ीरो शार्पनिंग जितनी ज़्यादा आप करेंगे। लाइक मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइक धब्बे हैं यहाँ पर वाइट कलर का देख सकते हैं, तो ये ज़्यादा लाइक क्लियर दिखेंगे, लाइक हमारी जो स्किन है वो और ज़्यादा क्लियर दिखेगी। तो ये यूज़ होता है शार्पनिंग का। और भी यहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, देन हम इसे भी कट कर देते हैं। आपको अगर उस तरीके से सेव करना है तो आपको टिक पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर कर्व्स, आप अपनी फ़ोटो में कर्व्स लगा सकते हैं, लाइक इस तरीके से आपने बहुत ज़्यादा लाइट कर दी, देन इस तरीके से डिम लाइट कर दी, यहाँ से इस तरीके से आप इसे
लो भी कर सकते हैं देन हाई भी कर सकते हैं कर्व्स की हेल्प से। देन यहाँ पर जो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लाइक हमने ग्रीन क्लिक किया तो यहाँ पर ग्रीन कलर में इंक्रीज़ हो जाएगा। देन अगर हम इसे डिक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पर पर्पल पिंक टाइप हो जाएगा, पिंक कलर टाइप। इस तरीके से आप कर सकते हैं। देन यहाँ से हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ल्यूमिनेंस हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कितना ल्यूमिनेंस चाहिए, लाइक हमने इतना ल्यूमिनेंस कर दिया, ठीक है। देन हम यहाँ पर अपने सॉफ्ट कॉन्ट्रास्ट, हार्ड कॉन्ट्रास्ट ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। देन ब्राइटन, डार्कन, फेडेड, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। P02, P01, देन U01, U02, इस तरीके से हम इन सब चीज़ों को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज़ वाइट बैलेंस, तो ब्लैक एंड वाइट बैलेंस आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं। देन यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन है, अगर आपको अपनी फ़ोटो क्रॉप करना है तो आप क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आपको फ्री में करना है, ओरिजिनल में करना है, स्क्वायर, देन 3:2, 4:3, यहाँ पर कुछ रेशियोज़ भी आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं, देन रोटेट कर सकते हैं आप यहाँ से, तो इस तरीके से आप देन फ्लिप भी कर सकते हैं इसे। तो ये हमारी ओरिजिनल, तो इस तरीके की अच्छी नहीं लग रही है तो मैं ओरिजिनल कर देता हूँ। इस तरीके से आप इसे यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं, तो हम इसे इस तरीके से स्टिक कर लेंगे। देन यहाँ पर पर्सपेक्टिव, तो इसका ये यूज़ होता है लाइक हम इसे इस टाइप से स्लाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर 3D लुक आएगा थोड़ा सा फ़ोटो को। यहाँ पर हम इसे इस टाइप से लुक भी दे सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि यहाँ पर आपके ब्लैक ब्लैक शो हो रहे हैं, जो ये अभी सही हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से भी हम दे सकते हैं, देख सकते हैं, एंड इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो हल्का सा अगर हम इस तरीके से कर देते हैं, देन इस तरीके से कर देते हैं तो काफ़ी अच्छी लगेगी फ़ोटो, 3D टाइप यहाँ पर लुक आ जाएगा। तो यहाँ पर और भी फीचर्स रहते हैं पर्सपेक्टिव में, लेकिन हम यहाँ पर अगर करते हैं क्लिक तो यहाँ पर हम इसे इस यहाँ का कलर भी कर सकते हैं, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर रहते हैं पर्सपेक्टिव में भी। तो यहाँ से आप अपनी हीलिंग सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं, सपोज़ मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसे किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस धुंधलापन सा आ गया। तो इस तरीके से आप अपनी हीलिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, फ़ोटो की इस तरीके से हीलिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अंडो रीडो के भी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। देन यहाँ पर ग्लैमर ग्लो का आपको ऑप्शन मिल जाता है, बहुत सारे ऑप्शन गाइस आपको इस स्नैपसीड ऐप में मिल जाते हैं। अलग अलग इफ़ेक्ट्स आप यहाँ से डाल सकते हैं। देन यहाँ पर आपको ड्रामा, ड्रामा का क्या यूज़ होता है, तो यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो में इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, ड्रामा 2, ड्रामा 1, डार्क। देन आप सैचुरेशन कर सकते हैं इसी कलर का, लाइक यहाँ पर हमने सैचुरेशन ज़्यादा कर दिया, यहाँ पर हमने सैचुरेशन कम कर दिया। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छी फ़ोटोज़ यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ग्लैमर ग्लो अच्छा है, HDR एस्केप, यहाँ पर हम HDR एस्केप ठीक ठाक है, अगर आपको इसे यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। तो हम इसे पूरा लो पर रख देते हैं। यहाँ पर और जो फीचर्स है लाइक हीलिंग हो गया, ब्रश हो गया, सेलेक्टिव, एक्सपेंड पर्सपेक्टिव, रोटेट, क्रॉप, वाइट बैलेंस, कर्व्स, डिटेल्स, ट्यून इमेज, तो ये सारे फीचर्स अभी तक अच्छे निकले। टॉनल कॉन्ट्रास्ट मुझे कुछ ज़्यादा काम का नहीं लगा, ड्रामा अच्छा खासा फीचर है। विंटेज हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी फ़ोटो का, जो कि काफ़ी बढ़िया सा ऑप्शन है। और भी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आप यहाँ से बना सकते हैं, बट मैं अभी ये नहीं बता रहा हूँ कि आप इस तरीके की या फिर किसी और तरीके की, लाइक मतलब मैं कोई फ़ोटो नहीं बता रहा हूँ कि आप यहाँ से फ़ोटो कैसे बना सकते हो। मैं आपको इसका पूरा ट्यूटोरियल बता रहा हूँ, इसके पूरे फीचर्स बता रहा हूँ, जिन्हें समझकर आप कोई भी अच्छी फ़ोटो बना सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज़ ब्लैक एंड वाइट, तो यहाँ पर से आप अपना ब्लैक एंड वाइट कंट्रोल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज़ नेयर, यहाँ से आप कलर्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, लाइक H03 वगैरह वगैरह। देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज़ पोर्ट्रेट, यहाँ से गाइस आप अपने फ़ोटो का पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको IS2 चाहिए, COMBO 1 चाहिए, तो यहाँ पर और भी ऑप्शन है। डार्क सेलेक्ट कर सकते हैं आप, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने डार्क कर दिया, तो ये फ़ोटो बहुत ही अमेजिंग लग रही है, बोल्ड लग रही है, काफ़ी अमेजिंग लुक आ गया फ़ोटो में। देन यहाँ सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आपको अच्छी लगी हो, एंड ना लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको पसंद हुई, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, कैसा लगा ये ट्यूटोरियल, एंड अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक पर अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। एंड गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहे। हर दिन मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, तो आपको हर दिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सी यू इन अनदर वीडियो।